नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल लर्निंग गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो अंक में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को, और सीपीयू को कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, सीपीयू के कुछ मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जैसे मेमोरी क्या है और रजिस्टर्स क्या होते हैं, ALU क्या है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। ये सब सीपीयू के अवयव हैं, सीपीयू के भाग है, वो भी महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, और आप हमारे इस वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं जिसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं बताता हूँ आपको कि अनअकैडमी पर भी हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, आप हमें फॉलो भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सीपीयू क्या है? दोस्तों, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क होता है, ये हमारे सारे प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर में सीपीयू उसकी सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए ही सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को हैंडल करता है, मतलब उपयोगकर्ता जो भी उसको निर्देश देता है उन सबको हैंडल करता है। और यह सीपीयू की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी और किस हिसाब से उन निर्देशों को प्रोसेस करता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, यह एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी काम होता है उन सभी कामों को या तो सीपीयू करता है या कंप्यूटर के अन्य उपकरणों से उन कामों को करवाता है। इस सीपीयू में भी निम्न भाग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है। कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू भी कहते हैं, ALU इसका पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स होते हैं, और मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी भी होती है। तो सीपीयू के ये कुछ भाग हैं जिनका काम अलग अलग है। तो आइए इनके कार्यों को जाने विस्तार रूप से, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता क्या है, जिसे शॉर्ट में CU के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो हिंदी होती है नियंत्रक इकाई। नियंत्रक इकाई नाम से क्लियर है कि यह कंप्यूटर के सभी डेटास को, सॉरी सभी कार्यों को नियंत्रित करता होगा। आइए देखते हैं, इसका मुख्य काम सारे कंप्यूटर को नियंत्रित करना होता है, और सीपीयू का ये भाग जो है कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रियाओं का संचालन भी करता है, मतलब सीपीयू के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनका संचालन, उन्हें ऑपरेट भी कर रहा है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, साथ ही साथ ALU और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित भी करता है कि कौन से डेटा को मेमोरी में जाना है और कौन से डेटा को मेमोरी से उठ के ALU में प्रोसेसिंग के लिए जाना है। इन सबको नियंत्रित करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर, इन सब के सभी गतिविधियों के बीच तालमेल भी बैठाता है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट जो है ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को संचालित करता है, सुचारू रूप से चलाता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि एक ट्रैफिक हवलदार सभी गाड़ियों को 1x1 एक रास्ते से आती हैं दूसरे रास्ते से जाती हैं, वो वहाँ खड़ा होकर निर्देशित करता है कि किधर से गाड़ियाँ आनी हैं, किधर से जानी है, किधर रोकना है, जिससे क्या होता है गाड़ियाँ आपस में टकराती नहीं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में जो डेटाज आते जाते हैं इधर उधर बाई बस, वे सभी नियंत्रित रहते हैं कंट्रोल इकाई के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ALU है, ये अगला भाग है सीपीयू का। अरिथमेटिक मतलब अंकगणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक, यूनिट मतलब इकाई। अंकगणितीय तार्किक इकाई है, मतलब सीपीयू के इस भाग में सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं होती हैं, और ALU और कंट्रोल यूनिट से जो निर्देश हैं उसका मार्गदर्शन लेता है वो, और मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है और परिणाम को या प्रोसेस डेटा को वापस मेमोरी में ही संग्रहित कर देता है। मतलब ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देशों को प्राप्त करता है, उसी निर्देश के जरिए वो मेमोरी से डेटा को ले लेगा और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद वापस मेमोरी में संग्रहित कर देता है। और अगर इसका पूरा देखा जाए तो अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाना गुणा और भाग आता है, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत, ये गलत है, तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे
लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, हाँ या ना इत्यादि आते हैं। तो ALU का मुख्य उद्देश्य है कि ALU के अंदर अंकगणितीय मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग और तार्किक गणनाएं मतलब ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू यस आर नो के आंसर वहां पर होते हैं, मतलब वो प्रोसेसिंग करता है पूरी तरह से। ALU ही प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। ओके, कौन सी डेटा पर क्या प्रक्रिया करनी है। आगे रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स का मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऐसी भी मेमोरी होती है जो थोड़े समय के लिए डेटा को संग्रहित कर सकती है। कब? जब डेटा प्रोसेस होता रहता है तब। तो इन्हें रजिस्टर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन व डेटा मेमोरी से आते हैं वे ALU में गणना के लिए इन्हीं रजिस्टर्स में संग्रहित रहते हैं। जबकि ALU में प्रोसेसिंग की क्रिया हो जाने के बाद जो प्रोसेस डेटा निर्मित होता है वह फिर से मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। मतलब रजिस्टर्स में थोड़े समय के लिए डेटा आएगा और उसी की गणना ALU में होगी, और जैसे ही गणना प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी वो जो डेटा होगा आउटपुट होगा वो फिर से मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये कार्य है रजिस्टर का। तो आपने पढ़ा ALU, CU और रजिस्टर, ये सभी तीनों मुख्य भाग हैं किसके? CPU के। दोस्तों CPU को बनाने वाली जो कंपनियां हैं मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप जानते होंगे इंटेल का CPU तो हमारे लैपटॉप में मैक्सिमम मिल ही जाता है। इंटेल का CPU मोटोरोला भी बनाती है, क्वालकॉम, HP और ऐसे AMD प्रोसेसर भी मिलता है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो प्रोसेसर का निर्माण करती हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो मंजय सिंह के साथ देख रहे थे। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें Unacademy पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे इस वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं www.gurudigitalmedia.com। धन्यवाद।